बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना तेज कुबरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। अंतर विराजित हृदय सम्राट अक्षरातीत त्रिगुणातीत धनी जी के श्रीचरण स्मरण करते हुए मंच में विराजमान परम पूजन्य श्री स्वामी जी के श्रीचरण एवं संपूर्ण धनी के लाडले सुंदर साथ जी के श्रीचरण में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण कीजिए। प्रणाम जी। विषय वस्तु की ओर लगते हुए किसी महान पुरुष का कथन है कि जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे जवान कहते हैं। युवा सिर्फ शरीर और उम्र से नहीं सारे जीवन में जिस समय में सौंदर्यता प्रेम और ऊर्जा उसकी पराकाष्ठा पर होती है उसी को कहते हैं युवा। इस समय में इस अवस्था में प्रेम उसकी चरम सीमा पर होती है इसीलिए परमात्मा के स्वरूप को भी किशोर बताया गया है। उसी तरह ऊर्जा की पराकाष्ठा भी इस अवस्था में दिखाई पड़ती है। अब आप एक बालक को देख लीजिए उसमें ज्ञान नहीं होता और एक वृद्ध ज्ञान का भंडार होने के बावजूद भी उसमें ऊर्जा नहीं होती। बस युवा ही एक ऐसा अवस्था है जहाँ ज्ञान और ऊर्जा का तालमेल होता है। अगर इस समय में वो अपने ज्ञान और विवेक को सही ढंग से उपयोग करे तो उसका शरीर भी उसका ऐसा साथ दे रहा होता है कि वो हर किसी क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। अध्यात्म में उन्नत करने के लिए जो कुछ भी गुण चाहिए होते हैं वो एक युवा के पास प्राकृतिक नेचुरली ही उसमें होते हैं। बस उसको ज़रूरत होती है सही गाइडेंस सही मार्ग निर्देशन की। लेकिन अब हमारे इस टाइम के युवा वर्ग वो अपनी उस सारी ऊर्जा को सिर्फ भौतिक जगत में ही ले जा रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति ध्यान और धर्म की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा जैसे कि मेरा आज का विषय है जागनी या तो धर्म में युवाओं की भूमिका। मुझे भगवान बुद्ध की एक कथन याद आ रही है वो कहते हैं अपदीपो भव और प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं जागो जगाओ जुगत सो पहले जागो फिर जगाओ। इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी क्षेत्र में योगदान देने के लिए पहले तो हमें खुद को योग्य होना पड़ता है। चलिए इस बात को अब हम सब के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि योग्य कैसे बने। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक बालक जन्म लेने के तुरंत बाद तो वो नहीं चल पाता है उसको कुछ समय लगते हैं फिर वो घुटने के बल चलने लगता है। उसके कुछ समय बाद किसी का सहारा लेकर वो खड़ा होता है और उसके कुछ समय बाद वो स्वतंत्र ढंग से चलने लगता है। अब हम इस दृष्टांत को प्रसंग से जोड़कर देखते हैं। एक युवा कल क्या था कल कहाँ था उस सारी बात को न ध्यान में नहीं रखते हुए अब खुद को एक बालक समझते हुए गुरु और ज्ञान का सहारा लेकर उसे खड़ा होना पड़ता है उसे आगे बढ़ना चाहिए और योगदान देने के लिए योग्य होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि युवा ही क्यों और क्यों नहीं युवा ही क्यों और किस लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है एक बालक में ज्ञान नहीं होती और एक वृद्ध जो होते हैं वो समाज में चल रही जो अंधविश्वास जो रूढ़िवाद होती है उससे आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। एक युवा ही एक ऐसा वर्ग है जो हर चीज को ठोक पीट कर जांच परख कर देखने की आदि हो गई है और हम युवाओं के किसी भी प्रश्न पर ये परमात्मा की कृपा है ये परमात्मा की लीला है बोलकर कोई लॉजिक या तो आपके रूढ़िवाद और आपके अंधविश्वास को अब नहीं चला सकते हैं। और वास्तव में भी अध्यात्म रूढ़िवाद और अंधविश्वास से बहुत ऊपर का विषय है। ये रूढ़िवाद और अंधविश्वास के चलते सत्य कितना ग्रसित हो रहा है ये बात तो सर्वविदित ही है।
विभिन्न बातें, जैसे कि किसी वृक्ष या किसी स्थान का पूजन, किसी माला या किसी विशेष प्रकार की वस्त्र को धारण करना, ये सारी अंधविश्वास के चलते तारतम का जो मुख्य ज्ञान है, तारतम का जो मार्फत दर्जा का ज्ञान है, ये उजागर नहीं हो पा रहा है। और ये सब रूढ़िवाद और अंधविश्वास तारतम को उजागर करने में, तारतम का प्रचार करने में जो भी कठिनाइयाँ आती है, ये सबको एक युवा ही अपने ज्ञान और विवेक से उसका हल कर सकता है। एक युवा चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हमारा इतिहास गवाह है, जितने भी महापुरुष हुए थे उन्होंने जो भी योगदान दिए हैं वो सब उन्होंने अपने युवा अवस्था में दिए हैं। और अगर युवा इसी तरह हमारे जागरणी के कार्य में जुड़ जाए और वाणी जुड़ जाए तो वो वाणी का प्रचार प्रसार और भी सरल ढंग से कर सकते। और इसका सकारात्मक पक्ष ये रहेगा कि एक युवा दूसरे युवा को और अच्छे से प्रभावित कर सकता है, विशेषकर युवा वर्ग में प्रचार अच्छे से होती है। अगर अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, एक युवा होने के नाते प्रैक्टिकली देखते हैं, तो जब हमें कोई वृद्ध या कोई बड़े उम्र के व्यक्ति ज्ञान धर्म और अध्यात्म से रिलेटेड बातें बताते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें उपदेश दे रहे हैं, और हम यह तक कह डालते हैं कि जब वो हमारी उम्र के होते होंगे तब उन्होंने भी अपनी लाइफ तो ऐसे ही व्यतीत किए होंगे ना। और ऊपर से धर्म साधना ये वृद्ध होने के बाद करना चाहिए, ये संकीर्ण मानसिकता से तो हम बचे नहीं है। इसीलिए अगर हम एक युवा को ही इस पंक्ति में, इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं, इसमें अग्रसर कर सकते हैं, तो बाकी युवाएं जो दुर्व्यसन में पड़े हुए हैं, जो सांसारिक मौज मस्ती और विलास को ही सब कुछ समझ कर लग रहे हैं, उनको ये ज्ञान होगा कि हमारी ये उम्र सिर्फ मौज मस्ती और विलास करने की नहीं है, बल्कि धर्म और अध्यात्म से जुड़ने की है। और वो संसारी कार्य करके बिताया हुआ जीवन को सार्थक नहीं, बल्कि परमात्मा के चरण में आके परमात्मा की सेवा करके ऐसे बिताया हुआ जीवन को ही सार्थक जीवन कहा जा सकता है। अब ये सारी बातें सुनने में तो बहुत आसान सुन रही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बातें और मैं जो ये बातें कर रही हूँ और जो वास्तविकता है, इनमें इतना फर्क क्यों है? ये सब प्रश्न भी आप लोगों के दिल दिमाग में उठ रहे ही होंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, इसका कारण है शिक्षा और ज्ञान की कमी। भौतिक जगत में कई विद्वान हैं, कोई क्षेत्र भी ऐसा नहीं है जहाँ विद्वानों की कमी हो, लेकिन धर्म और अध्यात्म और उसमें भी निजानंद दर्शन, ध्यानों का भी महाध्यान और ज्ञानों का भी महाज्ञान की कुंजी श्री तारतम सागर के होते हुए भी निजानंद दर्शन की युवाओं की अवस्था और भी नाजुक दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने युवाओं को ये बात समझा ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने युवाओं को तथाकथित रूप से कहने के लिए गले में कंठी पहना देते हैं और जागृत सुंदर साथ बना देते हैं, लेकिन सुंदर साथ का जो रहनी होता है, जो वास्तविक जो बातूनी बातें होती है, वो हम उन्हें समझा नहीं पाते। आध्यात्मिक रूप से हम उन्हें शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप लोग समाज में अभी भी देख सकते हो, अध्यात्म का विशेष ज्ञान ना होने पर भी किसी ने कोई ध्यान केंद्र बनाकर और अर्थ ही नहीं सही, लेकिन ध्यान की विधि बताकर सारे संसार को एकीकृत कर लिया है। लेकिन हम इस मार्फत दर्जे की ज्ञान के बावजूद भी ना वो हम खुद प्रयोग कर पा रहे हैं, ना तो उसका प्रचार कर पा रहे हैं, ना हम वो दूसरों को बता पा रहे हैं। समाज में यह तक अवस्था आ गई है कि एक निजानंद दर्शन से भले ही सतही रूप से लेकिन जुड़ा हुआ इंसान, अगर उसको ध्यान या तो शांति चाहिए तो वो विपश्यना और अन्य ऐसे केंद्रों में जाता है। ये हास्यास्पद की बात है और इससे ज्यादा ये शर्म की बात है, क्योंकि हम अपने युवाओं को बता ही नहीं पा रहे, उन्हें समझा ही नहीं पा रहे कि हमारे पास क्या क्या द्रव्य है, किस दर्जे की संपत्ति हमारे पास है, फिर भी हम ये सब कर रहे होते हैं।
अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं ये विज्ञान का युग है, ये सोशल मीडिया, ये सामाजिक संजालों का युग है। और इस युग में कोई भी युवा या तो कोई भी इंसान किसी भी तरह से सामाजिक संजाल से परे नहीं रहता है। और मेरा अपना मानना है सामाजिक संजाल युवाओं की ताकत होती है। जो कोई भी क्रांति का युद्ध अब इस जेनरेशन, अभी इस टाइम में जो भी क्रांति का युद्ध लड़ेंगे उसके लिए सोशल मीडिया का अहम भूमिका रहता है। अगर एक युवा चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, उसी सोशल मीडिया, उसी सोशल नेटवर्किंग से ही वही युवा अगर बचपन का प्यार को हिट करवा सकता है तो वाणी मेरे पियू की को वो सारे संसार में नहीं फैला सकता। और एक बात और जोड़ना चाहूंगी, हमारी जो धारणा है कि मंच पर बैठकर प्रवचन करना या तो किसी विशेष प्रकार के वस्त्र को धारण करके समाज में चलना उसी को जागनी या तो उसी को प्रचार प्रसार कहते हैं, मैं एक बात प्रष्ट कर दूं, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी यहाँ मंच में बैठकर बोल रही हूँ, प्रवचन कर रही हूँ तो मुझे बस यहाँ पंडाल के लोग ही सुन पा रहे हैं, लेकिन ये पंडाल में जो भी लोग हैं इन लोगों को यहाँ तक आने का जो रास्ता होता है, जो एक मार्ग होता है, जो एक गैप होता है, उस गैप को आज के युवा सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग से भली भांति पूरी कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, युवा वर्ग अगर आगे बढ़े और अगर वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाए तो वो अपने प्रभाव सारी दुनिया में पार सकते, कर सकते। क्रांति का जो युद्ध होता है, क्रांति का, क्रांति रूपी युद्ध का शस्त्र होता है युवा। अगर आज तक जितने भी महान कार्य हुए हैं उसमें युवा की अहम भूमिका नहीं होती तो वो कुछ भी नहीं हो पाता। इसीलिए अगर हमें धर्म में भी क्रांति चाहिए तो युवाओं को साथ लेकर, युवाओं को जागृत करके फिर युवा द्वारा सारे संसार को जागृत करना पड़ता है। युवा सारे संसार से सर्कल में रहते, वो सारे संसार से जुड़े हुए होते, सारा संसार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो पल पल की खबर रखते हैं। इसीलिए वाणी का जो प्रचार है वो अपडेटेड फॉर्म से, समय सापेक्ष ढंग से कर सकते हैं, जो और भी प्रभावकारी माना जाएगा। अभी ये जो समय है, अभी भी हम कहने के तो हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन हमारी मनस पटल में जो पुरानी बातें हैं, जो रूढ़िवाद है, पुरानी बातें सभी तो सही नहीं है ना, हम अपने इतिहास में देख सकते हैं जो पहले से चलते आ रही थी उसमें से हमने कई चीज को जो उस समय में समय सापेक्ष थी लेकिन अब नहीं है, उन सारे बातों को हटाते हुए हम आज के टाइम में समय सापेक्ष होके और मेन मुख्य तो सिद्धांत से विमुख ना होते हुए हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। तो प्यारे युवा वर्ग, अब हम लोगों को ही तारतम के रहस्य को उजागर करना है। तारतम के पहले तो हमें खुद निशंक होना चाहिए, और हम खुद जब निशंक हो जाए तभी हम अपना प्रेम, अपना ज्ञान बाहर बांट सकते हैं। हम इसी तरह ये जो पहले से चली आ रही है रूढ़िवाद और अंधविश्वास, इनको हटाकर जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है और जो सिद्धांत की बात है, उन सबको उजागर करके हमें हमारे आने वाले पीढ़ी को भी न्याय दिलानी होगी। अब किसी भी अंधविश्वास नहीं, हमें अक्षरातीत को ढूंढना है। हम तो अक्षरातीत के हैं, हम परम धाम के हैं, हमको तो सारी ब्रह्मांड का पथ प्रदर्शक बनना है, ना कि किसी भी संसारिक ज्ञान और व्यक्ति के नकलची बनना है। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं, ये बात तो हम सबको सर्वविदित है। इसीलिए अब तारतम और गुरु का सहारा लेते हुए हम युवा वर्ग को रूढ़िवाद से उठकर अक्षरातीत को ढूंढना है, अंधविश्वास नहीं वाणी का आश्रय लेना है। और जो लोग अपने खुद के अहम और अहंकार में रहकर माया में डूबे हुए हैं उन लोगों की नहीं, बल्कि जो वास्तव में तारतम के प्रेम की उजागर कर रहे हैं उन लोगों के साथ जुड़कर
तारतम की यात्रा में, जागरणी की यात्रा में आगे बढ़ना होगा और अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। इन्हीं विचारों के साथ अपना मंतव्य यही अंत करना चाहती हूँ, और भाषा के कारण मेरा कोई भी बात अनर्थ लग गया हो तो आप सबसे क्षमा भी चाहती हूँ। प्रेम प्रणाम जी, प्राणनाथ प्यारे की।